फ्रेंड्स, यह वॉशिंग मशीन के वॉश टाइमर के सीरीज की दूसरी वीडियो है। वैसे हम इस सीरीज में पूरा टोटल 8 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें से एक वीडियो आपने पहले ही देख लिया होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा करके उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यानी पूरे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा लिंक, और वहां पर आपको क्रम वाइज सभी वीडियो को देखना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन में जो 3 तार वाले वॉश टाइमर लगते हैं, इनकी चेकिंग कैसे करें, इनके तारों का पहचान कैसे करें, और इस वॉश टाइमर के द्वारा इस पूरे मशीन को कैसे चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में सीखने जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज वॉश टाइमर से संबंधित मिल सके, क्योंकि यदि आप 3 तार वाले को सीख गए तो इसी के आधार पर 4 तार वाला, 5, 6, 7, 8 तार वाले सभी टाइमर इसी के आधार पर काम करते हैं। थोड़े बहुत जो तार एक्स्ट्रा बढ़ेंगे उनके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में वैसे चर्चा करेंगे। चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारी चीज़ों को आपको पास से करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास एक 3 तार वाला वॉश टाइमर है, और इस वॉश टाइमर को इस वीडियो में हम चेक करना बताएंगे, और इसमें से जो 3 तार होते हैं तीनों तारों का पहचान करना बताएंगे। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि ये वॉश टाइमर क्या काम करता है। तो वॉश टाइमर एक निश्चित समय के लिए वॉशिंग मशीन में लगे वॉश मोटर को चलाने का काम करता है। उल्टा सीधा दोनों दिशाओं में चलाने का काम ये वॉश टाइमर ही करता है। इस वॉश टाइमर के अंदर एक निश्चित समय निर्धारित किया गया होता है। यह उतने समय के लिए ही ऑन हो पाता है, जिससे कि मोटर एक निश्चित समय के लिए चल पाता है। जैसे मैं अभी ये फिलहाल सामान्य स्थिति में है, इसको हम इस तरीके से पूरा फुल घुमा करके यहाँ पर कर दिए तो ये वापस अपने से इस तरीके से घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा। जब यह अपने से यहाँ तक घूम करके आ जाता है तो ये वॉश टाइमर उतने समय में ऑफ हो जाएगा, जब यहाँ पर आ जाएगा तब। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो टोटल 35 मिनट का समय लगता है। ज़्यादातर वॉश टाइमर के अंदर जो अधिकतम समय निर्धारित किया गया होता है वो 35 मिनट का होता है। कुछ ऐसे वॉशिंग मशीन देखेंगे आप जिसमें से 15 मिनट वाले भी वॉश टाइमर देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे वॉशिंग मशीन मिलेंगे आपको जिसमें 45 मिनट का भी समय देखने को मिलता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह काम जो है अपना ठीक उसी तरीके से करेगा जो 15 मिनट, चाहे 45 मिनट या 35 मिनट वाले हों, कुछ भी रहे लेकिन काम इसी तरीके से करेंगे। अब इसमें समझ लेते हैं कि ये जो 3 तार होते हैं, तीनों तारों में कौन कौन से तार हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक फेज सप्लाई जब हम इसके अंदर देंगे तो उसी फेज सप्लाई को यह 2 रास्तों से आउट करता है बारी बारी से। मान लेते हैं कि इसमें हम इनपुट देंगे, जो इनपुट वाला तार होगा उसी में हम इनपुट देंगे, और उसको पहचानने का तरीका भी आपको बताएंगे कैसे आप पहचान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इनपुट वाला तार है, तो इसमें जब हम इनपुट सप्लाई देंगे तो जो फेज सप्लाई इसके अंदर दिया गया वही फेज सप्लाई इन दोनों तारों से बारी बारी निकल के आएगा। मान लेते हैं कि 2 सेकंड के लिए इस पीले तार में निकल के आ रहा है फेज सप्लाई, तो 2 सेकंड अपना मोटर उल्टा चलेगा, और उसके बाद जो है 2 सेकंड के लिए इस तार से निकल के वो सप्लाई इसमें आ जाती है, तो वो इधर के तरफ आएगी, तो अपना जो मोटर है वो सीधा चलेगा। कुल मिला के जब इसमें आता है या किसी एक में आएगा तो एक दिशा में चलेगा, और दूसरे में सप्लाई जब जाती है तो मोटर दूसरे दिशा में चलता है। वो सब कैसे होगा हम पूरा कनेक्शन बताएंगे आपको, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम इसको चेक करना बताते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का मीटर आपके पास होना चाहिए, और मीटर को आप क्या करिए, सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोड है, आप देखेंगे ये वाला जो मोड है इसको हम कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं, और ये हमारा जो मीटर है कंटिन्यूटी मोड में आ गया या नहीं आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो दोनों प्रोब है इनको हम आपस में ऐसे सटा के देखेंगे, यदि आवाज़ आएगा तो समझ लेंगे कि कंटिन्यूटी मोड में आ गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ आ रहा है, यानी कि अपना ये जो मीटर है वह कंटिन्यूटी मोड में सेट हो चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें इस
टाइमर को थोड़ा सा के लिए ऑन करना होगा, 2-3 मिनट के लिए हल्का सा ऑन कीजिए, पूरा फुल भी ऑन मत कीजिएगा। होता क्या है कि इस वॉश टाइमर के भीतर ऑटो सोक का ऑप्शन होता है। ये ऑटो सोक क्या है तो यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो हमारे वॉशिंग मशीन के कोर्स को कंप्लीट कीजिए, आपको सारी जानकारी वॉशिंग मशीन से संबंधित मिल जाएगी, टोटल फ्री है। और उस कोर्स को करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ज़्यादातर कोर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। जैसे मैं एसी का हो गया, वॉशिंग मशीन स्टेबलाइजर, ये सब जो है कि कोर्स आपको फ्री में मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए हमने इसको इतना देर के लिए ऑन कर दिया है। इतने समय में ये क्या करता है कि जो भी सप्लाई आप इसको देंगे उसको ये दोनों तारों से, यानी जो भी आउटपुट वाले तार होंगे उनसे ये आउटपुट करता रहेगा। अब इसमें हम करते क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमर से जो 3 तार निकल के आ रहे थे वो यही है, अपना लाल है, पीला है, नीला है। अब मीटर से हमारे पास 2 ही तार हैं, यानी प्रॉब जिसको बोला जाता है, इनमें से किसी एक प्रॉब को, जैसे हम ब्लैक वाले प्रॉब को इस पीले वाले तार में या कोई भी तार में फिक्स करके फंसा लेंगे। यदि आपने इस तरीके से फिक्स कर लिया और फिक्स करने के बाद अब आपको ये वाले तार इन्हीं दोनों में बारी बारी से सटाना है, और जब आप बारी बारी से सटाएंगे तो दोनों में बारी बारी से आवाज़ यदि आएगा तो समझ लीजिएगा कि जिस पर हमने फिक्स किया वो इनपुट है, और यदि एक ही पर आवाज़ आए और पर नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा कि वह जो है ये जिस पर आपने फिक्स किया था वो जो है इनपुट नहीं है, कोई दूसरे पर अब आप फिक्स करके चेक करें। चलिए हम चेक करते हैं। अपने जो वॉच टाइमर है इसके अंदर 2 बार खट खट करेगा, तब तक हम इसको इस पर चेक करके रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि आपको पूरी नॉलेज मिले और आप भी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में पूरी बातें आ जाए। देखिए, वैसे हमने नीला पर बहुत देर से रखा हुआ है, कोई भी आवाज़ अपने मीटर से नहीं आया, यानी मल्टीमीटर से कोई आवाज़ नहीं आया है। अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं। वैसे देखिए हमारा जो वॉच टाइमर था थोड़ा सा ऑफ हो गया, हम फिर से इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए लाल वाले पर हमने लगाया है तो आवाज़ आ रही है, लेकिन उसके बाद हम नीला वाले पर लगा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी कि जिस पर हमने फिक्स किया है ना वो जो है तार कामन नहीं होगा, यानी इनपुट वाला तार नहीं होगा। अब जिस पर बजा है उसी पर हम जो है फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने चेक किया लाल के, मतलब पीला के साथ, तो लाल वाले पर बज गया, यानी कि मल्टीमीटर से आवाज़ आया बजर का, और नीला पे नहीं आया, तो जिस पर आवाज़ आया हम उसी पर फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल पाया कि यही जो है ना इनपुट होगा। देखिए हमने लाल वाले पर इसको जो है हमने फिक्स कर लिया। अब हम दोनों पर बारी बारी से सटाएंगे, दोनों पर आवाज़ आना चाहिए, यदि आएगा तो समझ लीजिएगा कि वही जो है मेन इनपुट है। देखिए पीला वाले पर बता रहा है, नीला पर भी बता रहा है। देखिए अभी जो है कट गया, और कटने के बाद जैसे खट से आवाज़ आया उसके अंदर से वो सप्लाई जुड़ गई है पीला वाले में। देखिए पीला से अभी जो है निकल के इधर आ गई है सप्लाई, अभी जो है फिर नीला वाले से ये आवाज़ आएगा, इधर पीला में आ गया। तो इस तरीके से हमें यह पता चल पाया कि ये जो लाल तार है इस पर हम सप्लाई को इनपुट करेंगे तो इन्हीं दोनों तारों से अलग अलग समय पर बारी बारी से इसमें फेज आउटपुट होगा। यही 3 जो तार होते हैं सभी वॉच टाइमरों में मेन रहेंगे, यानी कि चाहे आपका 4 तार वाला वॉच टाइमर हो, 5 हो 6 हो 7 8 कोई भी तार वाला टाइमर हो, उसमें ये 3 तार तो मुख्य रूप से रहेंगे ही रहेंगे, और उन्हीं को चेक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बाकी जो अन्य तार, एक्स्ट्रा जो तार उस टाइमर के अंदर आएंगे, उनके विषय में हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग समय पर चर्चा कर लेंगे। चलिए हमें पता चल पाया कि यहाँ पर ये जो लाल वाला तार है ये इनपुट है, हम इसमें एक निशान बना लेते हैं इस तरीके से गांठ मार करके, और बाकी ये जो 2 तार है ये आउटपुट है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे, और कनेक्शन करके अपने वॉशिंग मशीन का जो मोटर है आप देख सकते हैं,
ये वाला स्पिन मोटर और ये वाला जो है वॉश मोटर। स्पिन मोटर के लिए अलग टाइमर आता है, स्पिन टाइमर वो बहुत खास नहीं है, वो सभी कंपनियों में दो ही तार वाले आते हैं और इसका डायरेक्ट हम कनेक्शन करते समय ही आपको सारी चीजें बता देंगे। चलिए हम इसके कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर जो भी चीजें हम थोड़ा साइड में हटाते हैं, यहाँ बोर्ड है इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दो आपके मोटर हैं, इन दोनों मोटरों से तीन तीन तार निकला हुआ है। ये जो तीन तार आप देख रहे हैं जिसमें सफ़ेद है, लाल है और पीला है, ये अपने वॉश मोटर से सप्लाई आया हुआ है, तीन तार का जो है कि कनेक्शन आया हुआ है। और ये जो तीन तार आप देख रहे हैं ये स्पिन मोटर का है। अब इनको चालू करने के लिए हमारे पास ये जो है कि एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बारे में हमने कल वाली वीडियो में यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था कि कैसे हम पहचाने कि इसमें कौन सा तार जो है कि दो तार अपने स्पिन मोटर के लिए है और कौन सा दो तार वॉश मोटर के लिए है। यदि आपको नहीं पता है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। कैपेसिटर के ये जो दो तार आप देख रहे हैं हमने कल ही आप लोगों को चेक करके बताया था, यानी कि पहले वाले वीडियो में ही हमने बताया था कि ये वॉश मोटर के लिए है और ये जो दो तार आप देख रहे हैं ये स्पिन मोटर के लिए है। तो ये जो दोनों तार है वॉश मोटर के, कौन से तीन तार में से दो तार पर जोड़े जाएंगे तो जो रनिंग और स्टार्टिंग होगा उसी पर ये दोनों तार जोड़े जाएंगे। तो देखिए हमने कल चेक किया था तो पता चला था कि लाल और पीला वाला जो तार है ये क्या है, ये अपना रनिंग और स्टार्टिंग है। तो कैपेसिटर के कोई भी तार कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, कोई रनिंग कोई स्टार्टिंग पर जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये रनिंग पर ही ये वाला तार जोड़ें चाहे स्टार्टिंग पर वो वाला तार जोड़ें, कोई कहीं जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हमने इन दोनों तारों को इस पे जोड़ दिया। अब बच गया यहाँ पर अपना कॉमन वाला तार और इनमें हमें सप्लाई भी देना है। यदि हम एक तार का सप्लाई जो फेज होता है या न्यूट्रल, मतलब एक सप्लाई का तार यहाँ जोड़े और दूसरा वाला तार हम इधर जोड़ते हैं तो मोटर अपना एक किसी दिशा में घूमेगा और वही सप्लाई हम इधर जोड़ेंगे तो दूसरे दिशा में घूमने लग जाएगा। तो इसको हम चलाने के लिए वॉश टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम फिलहाल अपने इस वाले का भी कनेक्शन कर लेते हैं, यानी कि ये जो स्पिन मोटर के तीन तार आ रहे हैं इसमें हमने पता किया था तो ये वाला कॉमन मिला था और ये जो दो तार है ये अपने रनिंग और स्टार्टिंग के थे। तो हम जो है इनको हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। इसमें भी किसी भी तरह से वो नहीं देखना है कि कौन सा लाल वाले पर जोड़ा जाएगा या काला वाला पर जोड़ा जाएगा। कैपेसिटर है तो रनिंग स्टार्टिंग में से कहीं पर आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया। इसके कॉमन और इसके कॉमन, जो भी दोनों मोटरों का कॉमन है हम इसको एक ही में आपस में जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इनको चालू करने के लिए यानी कि अपने इस स्पिन वाले मोटर को, इस वाले मोटर को चालू करने के लिए स्पिन टाइमर और वॉश वाले मोटर को चालू करने के लिए वॉश टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वॉश मोटर क्या है, उल्टा सीधा दोनों चलेगा और स्पिन मोटर अपना जो है कि केवल एक ही दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना ये स्पिन टाइमर हो गया। स्पिन टाइमर आप देखेंगे तो इस तरीके का दो तार ही निकला रहता है और यहाँ पर नॉब है, ये नॉब को घुमा देंगे तो 5 मिनट के लिए ये ऑन हो जाता है, यानी एक प्रकार का वन वे स्विच है। ये दोनों तार आपस में चिपक गए हैं और जैसे ये 5 मिनट ख़त्म करेगा, ऐसे ऑफ होगा, तो ये दोनों तार एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पहले तो ये जो दोनों कॉमन तार है, कॉमन तार को यहाँ पर अपने पास ये मेन लीड है, एक हमने छोटा सा ये मेन लीड रखा हुआ है, तो मेन लीड में से किसी एक तार को हम यहाँ पर कॉमन के साथ ऐसे जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है कि इसको किसी साइड में रख देते हैं ताकि कहीं कोई तार किसी एक दूसरे के साथ शॉर्ट न कर जाए। इस मेन लीड का जो दूसरा वाला तार है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे तार इसमें जुड़ते जाते हैं तारों का जाल बनता जाता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये दो तार हैं, यानी कि अपने स्पिन टाइमर के दो तार हैं। थोड़ा सा हम इसको पास से करके दिखाते हैं आपको, अपने स्पिन टाइमर के दो तार हैं। तो होता क्या है कि एक तार में हम इनपुट करेंगे, यानी कि अपना जो मेन लीड होगा, ये जो मेन लीड है, मेन लीड में जो दूसरा तार है, एक तार को तो हमने कॉमन पर जोड़ दिया, दूसरे वाले तार को हम इस टाइमर के इनपुट में जोड़ेंगे। कोई भी एक तार इसका इनपुट हो सकता है, इसमें नहीं चेक करना है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, किसी एक तार में हम इनपुट कर देंगे और सेम कार्य जो है अपने इस
वॉश टाइमर के साथ भी करेंगे। यहाँ पर आपको तारों का संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन है तो इसमें तार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करके आप सोचते समझते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, हमें पता चल पाया है कि जो वॉश टाइमर से लाल वाला तार निकल रहा है वही इनपुट है, तो उस इनपुट वाले को हम यहाँ पर दूसरे वाले तार यानी मेन लीड का जो दूसरा तार है उसके साथ हम जोड़ देंगे। यानी कि टाइमर का जो दोनों टाइमर है, दोनों टाइमरों का जो इनपुट वाला तार है हमने एक तार से कनेक्ट कर दिया मेन लीड के, और उसके बाद जो है वॉश टाइमर के ये जो दोनों तार हैं हम वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले तारों से जोड़ेंगे। जो तार अपने कैपेसिटर पर जुड़ा है वहीं पर हम इन दोनों तारों को जोड़ देंगे, क्योंकि इनपुट का मान जो है इन्हीं दोनों पर आना चाहिए बारी बारी से, जिससे कि अपना मोटर एक बार उल्टा चलेगा एक बार सीधा चलेगा। तो इस तरीके से हमने इनको आपस में जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद जो है ये बारी बारी से सप्लाई इसमें आता रहेगा, जिससे कि अपना मोटर उल्टा सीधा चलता रहेगा। एक और काम करना है अभी, अपना जो ये स्पिन टाइमर है, स्पिन टाइमर का ये जो दूसरा तार है यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउन कलर में है, यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्राउन कलर का दूसरा वाला तार है इसको हमें इस मोटर के यानी जो स्पिन वाला मोटर है इसके रनिंग वाले तार पर जोड़ना है। हमने पिछले वाले वीडियो में यह चेक किया था कि मोटर से जो तीन तार आ रहे हैं यानी ये जो पीला है लाल है नीला है, तो इसमें जो नीला वाला तार है वो रनिंग है, तो इस वजह से हम इस वाले तार को रनिंग पर दे देंगे, यानी जो फेज सप्लाई है अपने इस रनिंग पर दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। वैसे तारों का जाल बहुत ज़्यादा हो गया, अभी फिलहाल ये तीन तार वाला वॉश टाइमर है तो इतना जाल हो गया, जब चार तार पांच तार या आठ तार वाला आएगा तो और भी ज़्यादा इसमें तारों के जाल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सभी तारों को हम एक दूसरे से अलग रखते हुए हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा टाइमर को हम इधर कर लेते हैं, क्योंकि टाइमर से ही हमें जो है मोटरों को चालू करना होता है। अब हम इसको यहाँ पर पहले तो सॉकेट में लगा लेंगे, यहाँ पर हमने सॉकेट में लगा दिया, और उसके बाद जो है हम टाइमर को ऑन करेंगे और मोटर को सामने से हम करते हैं। देख लीजिएगा आप, मोटर एक जो है कि वॉश टाइमर को हम ऑन करते हैं, यहाँ पर जो वॉश टाइमर है इसको हम ऐसे ऑन करेंगे और मोटर अपना दोनों स्पीड में चलना चाहिए। फ्रेंड्स, फिलहाल लाइट कट चुकी है और अपना जो वॉश मोटर है थोड़ा सा हैवी लोड लेता है, जिसके वजह से अपना जो बैटरी है थोड़ा सा बैठ गई है, डिस्चार्ज हो गई है। अब हम जो है फिर से इसको ऑन करते हैं, जैसे कि ये अपनी बैटरी ऑन हो गई यानी कि इन्वर्टर हमने ऑन कर दिया। अभी हम आपको स्पिन मोटर के बारे में बताते हैं और यहाँ से स्पिन मोटर को चालू करके दिखाते हैं। स्पिन मोटर अक्सर ही उल्टा घूमता है, जैसे हम इसको चालू करेंगे ऐसे, देखिए स्पिन मोटर अपना घूमना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन इसी तरीके से होगा और ऐसे ही ये चलेंगे, और वॉश मोटर जैसे हम चलाएंगे बैटरी बैठ जा रही है क्योंकि थोड़ा सा ये लोड लेता है। देखिए सही वोल्टेज ना मिलने के कारण ये सही से चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ये आप समझ सकते हैं एक बार उल्टा और एक बार ये सीधा इस टाइमर के साथ वो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा होगा तो आपको हमारी यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, यदि आपके मन में कोई सवाल आ रहा है वीडियो से संबंधित, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी बुक खरीदनी है, बुक लेना चाहते हैं एसी से संबंधित, तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।